Hello everyone, namaste and welcome back to my channel. और जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम टू माई चैनल. आई होप कि आपको मेरे अजीब और गरीब वीडियोस और व्लॉग्स पसंद आए. एनीवे, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैं एक कन्वीनियंस स्टोर में गई थी और वहाँ पे मैंने आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाए थे और उनका प्राइस बताया था इंडियन रुपीज़ में. और इस बार मैंने सोचा कि चलो एक बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि प्राइसेस सेम हैं, अलग हैं या मोर चीप हैं या मोर एक्सपेंसिव है. मेरे हिसाब से कन्वीनियंस स्टोर और बिग शॉपिंग मॉल में इतना फ़र्क नहीं है. मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत ही एक्सपेंसिव है. सो दिस शॉपिंग मॉल इज़ कॉल्ड ई मार्ट एंड द लास्ट टाइम आई वेंट टू द कन्वीनियंस स्टोर विच इज़ कॉल्ड E-Mart 24, which is the smaller version of this one. Here you can find everything, literally everything: food, clothes, seafood, living animals, more food, except one thing. Guess what? BTS, of course. You cannot find them here, really. तो सबसे पहले जब आप ये मार्केट एंटर करते हैं तो आपको कपड़े मिलेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सिंपल सी पैंट्स, जो कि जीन्स पैंट्स नहीं है और काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये पजामा टाइप में पैंट्स है जो कि आप यूजुअली घर पर पहनते हो या तब आप वर्कआउट करते हो तब पहनते हो. और यहाँ पर है कुछ कच्छे शॉर्ट्स जो कि मेरे हिसाब से फिर भी बहुत ही एक्सपेंसिव हैं. मुझे पता नहीं इंडिया के प्राइस कितने हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो कि वहाँ पर नॉर्मल पैंट्स और जो शॉर्ट्स होते हैं वो कितने में आती हैं. सो एक्चुअली ये वीडियो मैंने समर के एंड में शूट करा था और मैं भूल चुकी थी कि मेरे पास ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी, तो इसीलिए आप यहाँ पे सब लोगों को देख सकते हैं कि वो टी शर्ट पहन रखे हैं, शॉर्ट्स पहन रखे हैं, गर्मियों के कपड़े पहन रखे हैं. सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी वन आई फाउंड दिस वीडियो, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने शायद गलती से इसे डिलीट कर दिया. सो आई वॉज़ रियली रियली हैप्पी. और अभी शॉपिंग करते हैं फेस वॉश की. सो मैंने बड़ा वाला पैकेज खरीदा है जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 900 रुपीज़, जिसके मैंने 3 पैकेजेस खरीदे हैं क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनको यूज़ करती हूँ. और ये ब्रांड है न्यूट्रोजना. इट्स वेरी गुड फॉर ऑल काइंड ऑफ स्किन, लाइक सेंसिटिव, ड्राई, ऑयली. सो आई होप कि ये शायद इंडिया में भी मिलता होगा. प्लीज़ लेट मी नो अगर ये इंडिया में भी मिलता है या नहीं. आई थिंक इट्स क्वाइट पॉपुलर. एंड नेक्स्ट वन इज़ टूथपेस्ट. सो यहाँ पर प्रमोशन चल रही है 1+1, मतलब कि अगर आप एक पैकेज खरीदो जिसके अंदर 3 ट्यूब्स हैं उसके अलावा फ्री में आपको एक और पैकेज मिलता है. सो आई थिंक 500 रुपीज़ फॉर 6 ट्यूब्स इज अ रियली गुड डील, क्योंकि हम अभी बॉडी हाइजीन की शॉपिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट शॉपिंग इज़ बॉडी वॉश. सो जब भी अगर आप अपना स्किन का अच्छे तरह से ध्यान रखना चाहते हैं तो आपके पास 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स होने चाहिए, फेस वॉश के लिए और बॉडी वॉश के लिए. इनको, इन दोनों को प्लीज़ मिक्स मत करिए, नहीं तो आपकी स्किन बहुत ही ड्राई हो जाएगी, बहुत ही ख़राब हो जाएगी. एनीवेज़, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैं इंडिया में पली बड़ी नहीं हूँ तो मुझे इंडियन प्राइस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है. लेकिन जब भी हम इंडिया जाते हैं तो यूजुअली मम्मी पापा शॉपिंग करते हैं, सो आई डोंट नो इफ़ द प्राइस डिफरेंस इज़ बिग और स्मॉल, लेकिन आई गेस कि इंडिया कोरिया से थोड़ा चीपर है. और यहाँ पर है कॉफ़ी, नेस्कैफे. सो कॉफ़ी के बहुत ही सारे ब्रांड्स हैं. अगर मैं सिर्फ कॉफ़ी के बारे में वीडियो बनाऊँ ना तो शायद 20 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जो कोरियन लोग हैं वो कॉफ़ी बहुत ही सारे पीते हैं. मतलब कि डिपेंड नहीं होता कि सर्दी हो, गर्मी हो, रात हो, दिन हो, या वो बीमार हो, वो कॉफ़ी पीते रहते हैं. और सबसे और भी अजीब बात यह है कि अगर वो 10-15 ग्लास कॉफ़ी के भी पी लें ना तो उनको रात को आराम की, सुकून की नींद आती है. और जो मेरा केस है वो ये है कि अगर मैं 1 ग्लास कॉफ़ी का पी लूँ ना तो मुझे रात को 4 बजे तक नींद नहीं आती. सो लेट मी नो कि आप कॉफ़ी टीम हो या टी टीम हो, कॉफ़ी या चाय, लेट मी नो. आई रियली लव चाय. चाय इज़ माय बे. आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल माय वेजिटेरियन सब्सक्राइबर्स कि मैं आपको ये मीट के इमेजेस दिखा रही हूँ. आई होप कि आप ज़्यादा माइंड ना करें. जो कोरियन लोग हैं वो मीट बहुत खाते हैं, मतलब कि चिकन, पोर्क, फिश और समटाइम्स बीफ, जो कि है गाय का मीट. मुझे पता है कि इंडियन रिलीजन में हम गाय का मीट नहीं खाते क्योंकि गाय को माँ मानते हैं. जो कोरियन लोग हैं वो बीफ को बहुत ही वैल्यू देते हैं क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव मीट है और यूजुअली वो ऑफन अफोर्ड नहीं कर सकते.
और इवन दो कोविड का सीज़न चल रहा है, यहाँ पे बहुत ही सारे लोग हैं, मुझे पता नहीं कितने सारे लोग क्यों हैं यहाँ पे। और यूजुअली मैं बड़े शॉपिंग मॉल में शायद 2 महीने में 3 महीने में एक बार जाती हूँगी, क्योंकि मैं एक अकेली इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा खाना पीना का प्रोडक्ट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं। और जब भी मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो जो छोटे मार्केट हैं जो मेरे घर के पास में है, मैं वहाँ पर जाती हूँ सामान खरीदने के लिए। सो हियर देर आर सो मेनी पीपल, लेकिन थैंकफुली यहाँ पे सभी लोग बहुत ही केयर करते हैं, हाथ साफ करते हैं, सैनिटाइज करते हैं और हमेशा मास्क पहनते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ 10 पैकेज ऑलरेडी कुक चिकन ब्रेस्ट के ख़रीदे हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता खाना बनाने का, पकाने का, साफ़ सफाई करने का। और ये वाला काफ़ी कन्वीनियंट है क्योंकि इस पैकेज को आप माइक्रोवेव में 40 सेकेंड तक गर्म कर सकते हैं एंड देन इट्स रेडी टू ईट। सो इट्स फास्ट, चीपर आई थिंक फॉर मी एंड वेरी हेल्थी एज वेल। इनको बोलते हैं क्रोसान, और ये एक ट्रेडिशनल फ्रांस की मिठाई है जो कि कोरिया में भी काफ़ी फेमस है। तो ये है फैमिली पैकेजेस जो कि लोग ब्रेकफास्ट के टाइम कॉफ़ी के साथ, दूध के साथ खाते हैं। और इसको बोलते हैं फुदेजीके, जिसके अंदर आते हैं नूडल्स, साग सब्जी, मीट। सो बेसिकली ये बहुत ही ट्रेडिशनल कोरियन डिश है जो कि इन्वेंट हुई थी आर्मी में। जैसे कि आपको पता है जो कोरियन लड़के हैं, जो हेल्थी लड़के हैं, उनको कंपल्सरी है आर्मी में जाना 2 साल के लिए। और बहुत सारे बार क्या होता है कि आर्मी में छोटा मोटा सामान बच जाता है, जैसे कि साग सब्जी बच जाती है, थोड़ा मीट बच जाता है, और नूडल्स बहुत ही चीप होते हैं। तो सोल्डर्स जो कुक होता है ना, सोल्डर्स का कुक, वो क्या करता है कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के सूप बनाता है जिसको बोलते हैं फुदेजीके। सो ये काफ़ी पॉपुलर है और मुझे भी बहुत ही पसंद है। एंड दिस वन इज़ ओरी, ओरी इज़ डक मीट। सो ये यहाँ पर जो ये वर्कर है, ये जो लड़का है, वो मीट को सॉस के साथ मिला रहा है। ये सॉस स्पाइसी सॉस है और उसके अंदर गार्लिक भी है, प्याज भी है, अनियन है, सब कुछ मिक्स करा हुआ है। सो बहुत सारे कोरियन लोग बहुत ही बिजी होते हैं काम में, तो उनके पास टाइम नहीं होता सॉस बनाने का, तो ऑटोमेटिकली ये सॉस वाला मीट खरीद सकते हैं और घर पर जाकर सिर्फ आपको इसको पैन में 5-10 मिनट के लिए पकाना होता है। तो इसकी वजह से मैंने लगभग 1 किलो ख़रीदा है मेरे लिए। एंड दिस वन इज़ राइस केक। सो बेसिकली राइस केक एक कोरियन मिठाई होती है जो कि जो राइस है ना, चावल के आटे से बनी हुई होती है। सो इसका टेक्स्चर थोड़ा सॉफ्ट रबर टाइप का होता है, मतलब कि च्यूइंग गम का। तो मुझे पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। एंड दिस एरिया इज़ किमची। सो ये पूरा सेक्शन है ना किमची से भरा हुआ है, और जैसे कि आपको पता है किमची कोरिया का नंबर 1 फूड है, इसके बिना लोग खाना नहीं खाते, मतलब कि वो ब्रेकफास्ट में भी ना, सुबह उठते हुए भी किमची उनके खाने के लिए ज़रूरी है। और किमची बनी भी जाती है, जो पत्ता गोभी होती है ना, एक लंबी वाली पत्ता गोभी होती है, उससे किमची बनाते हैं। एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ किमची, देर इज़ फ्रेश किमची एंड बिटर किमची। पर्सनली मुझे जो बिटर वाली है ना, वो वाली पसंद है। All this is seafood area. तो यहाँ पर आपको fresh, जीवते, alive seafood मिलेंगे। So basically लोग क्या करते हैं, उनको fresh food बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर जाके आप एक इंसान को बोलोगे कि मुझे ये वाला fish चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि उनको पानी से निकाल के packaging करके आपको दे देते हैं। So it's quite sad कि ये यहाँ पर कैद हैं और बाद में इनको पानी से निकाल के लोग उनको खाएंगे। और यहाँ पर है ड्राई फिश।